रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट देती हूँ, ठीक है? आप लोगों ने एक प्लेस वैल्यू चार्ट, ये इस प्लेस वैल्यू जो बुक में दिया हुआ है ना, बस सब कुछ भूल जाए, ठीक है? अभी देख रहे हैं, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 और 100,000, ठीक है? इस चार्ट को बस आप लोगों ने जहन में रखना है, ठीक है? अब देखिए, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन नंबर, ठीक है? पहला वर्ड जो हम लोगों को दिया हुआ है, पहला जो नंबर दिया हुआ है वो है 5342, ठीक है? अब देखिए, आप जब हम आप 40 रुपीज़ देती हैं तो आप किस तरह लिखते हैं, ठीक है? 2 और ये 42, ये 10 की वैल्यू होती है ना, 40 रुपीज़, 40, ठीक है? 10 की फॉर्म में आ रहा है ना, 40, ठीक है? ये 0, 1, 0, ठीक है? अच्छा, 3 और ये 5, आप लोगों ने बस ऐसे ही उल्टी साइड से पुट करना शुरू कर देना, और ये नंबर याद रखना, यू नो, 10, 100, 1000, 10,000 और फिर 100,000। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब उन्होंने कहा था वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है? वर्ड्स की फॉर्म में। तो ये 1000 है, 1000 की एक फैमिली है ये, ठीक है? 100 की सिर्फ एक फैमिली है, और ये एक फैमिली है, यहाँ पर एक फैमिली है, ये दूसरी है, और ये वाली फैमिली पूरी तीसरी है, ठीक है? इसमें जितने भी वर्ड आएंगे वो 1000 के फॉर्म में लिखे जाएंगे। 5000, ये एक फैमिली का नाम लिख दिया मैंने। 300, और ये 10 की फॉर्म में था, तो 40 and 42। समझ लग गई? यानी ये पूरी एक फैमिली है, इस पूरी फैमिली को सिर्फ एक उसमें लिखेंगे। ये 100 की फॉर्म में है, तो ये 300 और ये एंड 42। अब इधर लिख लेते हैं, 500, 5000, 300 एंड 42, ठीक हो गया? अब इसी तरह से यूनिट, अब दोबारा से इस प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 और ये 100,000 पुट करेंगे। 7, 3, 2, 1 और यहां पर 7, तो क्या हो जाएगा ये? अब देखिए, इधर लिखेंगे 7000 से, ये वाला 1000 वाली वैल्यू, 7100 and 23, ठीक हो गया जी? अच्छा, तो अब अगला वाली वैल्यू लिखते हैं। अगली वैल्यू इसी प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर मैं अगली वैल्यू लिखूंगी, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सी वैल्यू 1000 में आ रही है और कौन सी वाली कौन सी में आ रही है। 1, 2, 3 और यहां पर 5, यानी कि 5000, 5000, 3, इस तरह से नहीं लिखना था, सॉरी, 300, 321। अब अगले वाला लिख लेते हैं। मैं बार बार प्लेस वाली चार्ट बनाने से अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि बार बार फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये 5 आ गया, यहाँ पर उल्टी साइड से लिखना शुरू करना है, यहाँ से यूं करके लिखना शुरू करना है। ये 0 और ये 8, यानी 8000, 0, 100 and 35, ठीक हो गया जी? ये वाला समझ लग गई। अब अगला सेकंड लास्ट देखते हैं। सेकंड लास्ट वाला लिखते हैं 9, 9, 8, 9, ठीक है? यानी 9899, 9800 and 99,
नाइन, ठीक हो गया। अब हम लोग करेंगे इससे लास्ट वाला पार्ट। लास्ट वाले पार्ट में वो थोड़ा सा आगे ले गए हैं, देख लीजिएगा अभी, देखना। 1, 2, 3, 0, 8, यानी कि अब हम लोग किस से करेंगे 80,000, यानी ये तो एक फैमिली है ना, एक फैमिली है, तो 80,000, 80,321, ठीक हो गया जी। यानी 1,000 की फैमिली में जितने भी नंबर्स आएंगे वो 1,000 के साथ ही लिखे जाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमेरिकल्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमेरिकल्स, यानी कि हमने नंबर पहले उन्होंने वर्ड्स फॉर्म में कहा था, अब नंबर फॉर्म में लिखना है। अब नंबर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, प्लेस वाली चार्ट बनाते हैं, यूनिट 10, 100, 1,000, 10,000 और ये 100,000, ठीक हो गया जी। यहाँ तक पहुँच गए। अब देखिए 5,000, यानी पहले 5 की जगह 5,000 जगह 5,000 लिख दिया गया, 800, 800, 100 वाली जगह पे 8 लिख दिया, 100 और ये 40, यानी 4040, तो क्या नंबर के साथ से आ जाएगा 85840, ठीक है। 6,000, 6 वाली जगह पे लिख दिया, 300, 100 वाली जगह पे 3 लिख दिया, 63, 63 इधर लिख दिया, ठीक हो गया। यानी किस तरह से लिख देंगे, 6363। 32,000, 32,000, 32,300 और ये 8, 0 लगाएंगे और यहाँ पर 8, ठीक है। यानी यहाँ यूनिट वाली जगह पे फिर 8 लिख देंगे, ठीक है। 3, 2, 3, 0, 8 आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से लिख देंगे फिर। अच्छा, 80,000, 80,000, 500, ये 100 वाली जगह पे 5 लिख देंगे, 87, 87, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 80587, समझ लग गई। 64,000, देखिए 64,000, 93, 100 नहीं दिया हुआ तो ये 0 आ जाएगा इसकी जगह, और ये 93, 64093 हो जाएगा ये। 41,000, ये रहा 41,900, 900 हो गया, 99, ये 99 हो गया, ठीक है। तो किस तरह से लिखेंगे, 41,999 आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं फिल द ब्लैंक्स, इसके अंदर आप लोगों ने पुट करना है यूनिट 10, 100,000, 2,347, 6,780, 06, इसे उल्टी साइड से पुट करते जाएं, 5, 4 और ये 3, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी नंबर लाइन हमारे लिए गिवन की भी है। 06, 60, 4, 3 और ये 5। अच्छा, 1, 4, 3, 2 और ये 9, ठीक हो गया जी। ये पुटिंग होगी इसकी, उल्टी साइड से बस पुट करते चले जाएं, ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं मैच द कॉलम, 700, 7,800, ठीक है। अब देखिए 7,800 ये रहा, तो ये लीजिए 82,652, 82 पहले देखिए, ये रहा 82, तो ये लो जी। 15,000, 15 वाला कौन से वाला, ये रहा 15। अच्छा, 53,102 ये है, 2,300 ये देख लीजिए, एंड 57 ये देख लीजिए। अच्छा, 5,300 ये रहा, और 384 ये रहा, ठीक हो गया जी। उसके बाद जी हम बात कर लेते हैं, राइट द वैल्यू ऑफ 4 एंड 6, 4 और 6 जी के, 4 राइट द वैल्यू ऑफ 4 एंड 6, 4 क्या है, 4,000 में है, 800, 6, 6, ठीक है जी। अच्छा, अब आप लोगों ने इसको लिखना है यूनिट 10, 100,000, 2,357, यूनिट 10, 100, उल्टी साइड से काउंट करना शुरू करते हैं, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 67,815, 10328, सिंपल सिंपल पुट करते जाए, 9835।
5, 7, ठीक हो गया। राइट द वैल्यू ऑफ द सर्कल, अब वो बता रहे हैं कि इनकी क्या वैल्यू है, यूनिट 10, 10 की टेंथ में आते हैं, यूनिट 10, 100, 1000, ये 1000 है, यानी इसके आगे लिख दे इसको 60 और इसके लिख दे 5000, ठीक है। यूनिट 10, 100, 1000, 10000, 10000 इसकी वैल्यू है, और आगे इसकी नंबर फॉर्म में भी लिख दें 60000, 60000, ठीक है। यूनिट 10 इसकी 10 वैल्यू है, यानी तो 60 हो जाएगा, यूनिट 10, 100, 1000, 1000 इज इक्वल्स टू 4000, ठीक हो गया। अच्छा यूनिट 10, 100 ये 100 फॉर्म में है, 400, ठीक है। यूनिट ये सिर्फ यूनिट है तो सिर्फ और सिर्फ खाली 1 आएगा, यूनिट 10, 100 तो ये 700, यूनिट 10, 100, 1000, 10000, 10000 6000, ठीक हो गया। ये 3 0 आएंगे बाद में भी, यूनिट 10, 100 और ये 1000, ये 1000 के फॉर्म में है, यानी कि 9000 हो जाएगा। राइट द वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स, अब वो कह रहे हैं नंबर से वैल्यू, जिससे से पहले हम लोगों ने नंबर फॉर्म में लिखा था वैसे ही इसको लिखना है, 7, 3, 8, 5, 2, ठीक है। और इसी तरह से 46, 3, 1, 9, ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।